हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सौरभ और आप देख रहे हैं सॉफ्टवेयर क्रैकर। दोस्तों, मैंने जो पिछली वीडियो बनाई थी लर्न टू हैकिंग, वो आप उस वीडियो को आप ज़रूर देखेंगे। अगर वो आप उस वीडियो को देखेंगे तो ही ये वीडियो समझ में आएगा। ये उसका सीक्वल है और इस वीडियो में हम आपको हैकिंग के बहुत सारे टेक्निक बताएंगे। इसमें पहला टेक्निक है फिशिंग अटैक। तो दोस्तों, जो फिशिंग हैकिंग है, जो फिशिंग अटैक है, वो एक बहुत ही इजी हैकिंग है जिससे आज 90% यूजरों की फेसबुक आईडी हैक हो जाती है। इस जो फिशिंग है, इसको किसी के फेसबुक आईडी हैक करने में यूज़ किया जाता है। इससे ईमेल आईडी भी हैक होती है, पर इसके लिए आपको थोड़ा मेहनत करना पड़ता है। तो दोस्तों, इसमें जो होता है, हैकर या अटैकर्स यूजर्स को एक फेक लॉगिन पेज सेंड करता है, जो कि सेम टू सेम वो ओरिजिनल पेज के जैसा ही यूजर्स को नज़र आता है। तो दोस्तों, जैसे ही यूजर्स इसमें अपना आईडी और पासवर्ड के साथ लॉगिन होता है, तो जो टेक्स्ट पेज होता है वो अटैकर्स को मेल के थ्रू सेंड हो जाता है, जिससे आपका अकाउंट अटैकर्स इजीली हैक कर लेगा। तो दोस्तों, इसको बनाना बहुत ही आसान है। आजकल इसे HTML या CSL लैंग्वेज में बनाकर इंटरनेट पे अपलोड कर देते हैं लोग, या आप जिसका अकाउंट हैक करना चाहते हैं या किसी का भी, ज़्यादातर आजकल इसको लिंक के थ्रू ही सेंड किया जाता है। दोस्तों, कोई अटैकर्स, जैसे एग्जांपल में दोस्तों, कोई अटैकर्स एक अर्न मनी नाम का कोई वेबसाइट बनाता है, उसमें एक फेक लॉगिन बनाया और वो फेक लॉगिन है सो आपको सेंड कर दिया। तो उसमें आपका ईमेल या फेसबुक आईडी से लॉगिन करने कहेगा। तो दोस्तों, आप जैसे ही उसमें लॉगिन होंगे, वो आपका आईडी और ईमेल को हैक कर लेगा, आपका अकाउंट हैक हो जाएगा। तो दोस्तों, जैसे मछली को बझाने के लिए चारा डालते हैं, जैसे बंसी या कुछ भी बताने के लिए चार डालते हैं, उसी प्रकार इसमें भी जो अटैकर्स होते हैं, वो इसको बनाने के लिए किसी के अकाउंट हैक करने के लिए पहले चारा डालते हैं। जैसे कि फेक लॉगिन पेज बनाकर उसको सेंड किए, तो समझिए वो चारा है। तो दोस्तों, आप फिशिंग अटैक से कैसे बचे मैं बता रहा हूँ। तो दोस्तों, अगर आपका जो साइट है, सेम साइट में उसी साइट का डिस्क्रिप्शन नहीं मिलेगा, जैसे आप फेसबुक यूज़ कर रहे हैं, तो आपको फेसबुक में ये कहीं भी यूआरएल नहीं मिलेगा जो फेसबुक का सेम यूआरएल होगा, जैसे http://m.facebook.com, ये यूआरएल कभी नहीं मांगेगा। अगर ये जो मांग रहा है, तो समझिए कि ये फेक है, वो आपके अकाउंट इससे हैक हो सकता है। ये आप उस यूआरएल को गूगल पे एंटी फिशिंग साइट, किसी भी साइट में जाकर उस यूआरएल को चेक कर सकते हैं कि वो यूआरएल है या नहीं, कि फेक है या गलत है। तो दोस्तों, एंटी फिशिंग साइट आपका किसी भी यूआरएल को चेक करके आपको बता देगा कि वो साइट फेक है या सही है। दोस्तों, जितने भी मनी मेकर या कोई भी साइट हो, अगर आप को फेसबुक में है, फेसबुक में लिंक आता है और उसमें लॉगिन कहता है, जैसे ही आप उस पर क्लिक कीजिएगा तो आप डायरेक्ट लॉगिन हो जाएगा। वो उसमें कुछ टर्म्स होंगे, उसको पूरा कीजिए, उसमें आप लॉगिन हो जाएंगे। उसमें आपका आईडी या पासवर्ड नहीं मांगेगा, अगर ईमेल आईडी या पासवर्ड नहीं मांगेगा। अगर आपका आईडी या पासवर्ड मांगता है, तो समझिए कि जो अकाउंट है वो फेक है, वो आपका ईमेल हैक करना चाहता है। दोस्तों, ऐसे से बचे, और फिशिंग अटैक बहुत ईजी है, इसे फेसबुक आईडी, ईमेल आईडी इजीली हैक हो जाता है। जो हमारा दूसरा है, वो है ब्रूट फोर्स अटैक। दोस्तों, आप सोच भी नहीं सकते कि ये कितना पावरफुल है, ये बहुत ही पावरफुल अटैक है। जब अटैकर्स किसी के अकाउंट का पासवर्ड हैक करता है, तो एक साथ 3 करोड़, ध्यान से, 3 करोड़ वर्ड्स को यूज करता है, वो भी डिफरेंट वर्ड्स होते हैं, और पर सेकेंड 3 करोड़ वर्ड्स को यूज़ करता है, जिससे जो आपका अगर पासवर्ड
सिंपल होगा तो वो 1 से 2 दिन में हैक हो जाएगा। दोस्तों अगर आपका पासवर्ड स्ट्रॉन्ग है, मीन्स आप नंबर यूज़ किए, जैसे नंबर 1, 2, 3, 9 के बीच में यूज़ किए, और कोई भी सिंबल जैसे हच, परसेंटेज, एट द रेट, कोई भी सिंपल यूज़ किए, या फिर और फिर लेटर, ABCD वर्ड्स, अल्फाबेट लेटर्स, ABCD, अगर आप तीनों को यूज़ करते हैं तो आपका पासवर्ड स्ट्रॉन्ग है। और इसमें जो अटैकर्स होगा उसको आपका पासवर्ड हैक करने में कम से कम तो 40 से 60 दिन का समय लग जाएगा, मीन्स 1 से 2 मंथ लग जाएगा। तो जब भी आप यूज़ कीजिए स्ट्रॉन्ग पासवर्ड ही यूज़ कीजिए, जैसा ईमेल आईडी है उसमें आपका नंबर और लेटर और एट द रेट तो यूज़ करता ही है, सिंबल भी यूज़ करता है, तो ईमेल का जो पासवर्ड होता है हैक होता है। और पासवर्ड हमेशा 10 से 15 वर्ड का होता है, वही स्ट्रॉन्ग पासवर्ड होता है। तो दोस्तों इससे आप बचे कैसे, तो ब्रूट फोर्स से आप बचना कैसे? तो दोस्तों जब भी आप यूज़ कीजिए स्ट्रॉन्ग पासवर्ड यूज़ कीजिए, 10 से 15 वर्ड का पासवर्ड कीजिए, उसमें नंबर हो, सिंबल हो और लेटर मस्ट यूज़ कीजिए। दूसरा, अब अपने पासवर्ड हर एक 7 दिनों में चेंज करते रहिए। अगर आपको लगता है कोई आपके अकाउंट के साथ छेड़छाड़ कर रहा है या कुछ ऐसा मैसेज आए तो आप अपने पासवर्ड को तुरंत चेंज कर दिए, या फिर नहीं तो आप हर एक 7 वीक में अपना पासवर्ड को चेंज करते रहिए। तीसरा, और आप जब भी पासवर्ड चेंज कीजिए तो पहले वाले पासवर्ड से पूरा डिफरेंट हो, उससे एक भी मतलब वर्ड तो मिले पर उसके जैसा ना हो, सिमिलर पासवर्ड ना हो। जो आपका तीसरा है वो है डिक्शनरी अटैक। तो दोस्तों जो डिक्शनरी अटैक होता है वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग पासवर्ड हैकर हैकिंग का है। दोस्तों डिक्शनरी अटैक में किसी भी यूजर्स का जो पासवर्ड होता है 5 से 10 मिनट में ही हैक किया जा सकता है। जैसे दोस्तों कुछ लोग होते हैं जो डिक्शनरी वर्ड्स यूज करते हैं, जैसे वांटेड, एवरीडे, एनीहाउ, ऐसे बहुत सारे जो डिक्शनरी वर्ड्स हैं ऐसा ऐसा पासवर्ड यूज करते हैं। तो हमें जो पासवर्ड है ऐसा यूज करने से जो हैकर्स होते हैं वो इसे इजीली हैक कर लेते हैं डिक्शनरी अटैक्स। तो दोस्तों इसमें बताने लायक ज़्यादा कुछ नहीं है, इससे आप बच सकते हैं। आप जो अपना पासवर्ड है स्ट्रॉन्ग पासवर्ड यूज़ करिए, उसमें लेटर यूज़ कीजिए, नंबर यूज़ कीजिए, सिंबल यूज़ कीजिए, और अपने पासवर्ड को हर एक 7 दिनों में चेंज कीजिए, तो फिर आपका जो पासवर्ड है वो हैक नहीं होगा। तो दोस्तों अब हम जो चौथे हैकिंग अटैक है वो फेक मेल अटैक है। तो दोस्तों आपको मालूम नहीं होगा कि इसके द्वारा क्या क्या किया जा सकता है। आमतौर पर जो फेक मेल अटैक है वो किसी का बैंक अकाउंट हैक करने के लिए यूज़ किया जाता है, या फिर ईमेल आईडी हैक करने के लिए यूज़ किया जाता है। अगर दोस्तों आपको मालूम नहीं होगा तो आप जान लें कि फेक मेल अटैक्स बैंक अकाउंट को हैक किया जाता है। सपोज आप सोच कर देखो कि आपके टीचर्स के पास आपके मेल से एक मेल गया हो, उसमें एडल्ट कंटेंट हो, या फिर ऐसा चीज़ जो बहुत ही डेंजर हो, या फिर कुछ सेक्सी हो, कुछ भी हो सकता है। तो सोच कर देखो आपका क्या होगा। दोस्तों ये फेक मेल अटैक के द्वारा होता है, इससे आपका ईमेल आईडी हैक कर लिया गया और आपके ईमेल से आपके टीचर्स को मेल कर दिया गया। तो दोस्तों इस फेक मेल से एक सपोज कोई अटैकर्स बैंक के मेल से आपके पास मेल किया और उसमें मेल में लिखा है कि आपका जो क्रेडिट है, आपका जो कि आप क्रेडिट कार्ड में कोई प्रॉब्लम है कि आपके क्रेडिट कार्ड में कोई प्रॉब्लम है और साथ में भी है कि आप अपना फुल डिटेल्स और क्रेडिट नंबर तुरंत इसमें मेल करें,
तो क्या होता है कि आप अपना क्रेडिट नंबर और फुल डिटेल्स आप उस अटैकर्स को सौंप दिए, आप मेल कर देते, जिससे आपका अकाउंट है, बैंक अकाउंट हैक हो गया। इसीलिए दोस्तों आप बैंक कभी किसी का मेल करके ये नहीं पूछता कि आप अपना नंबर दो, आपका पिन क्या है, वो इसीलिए इस पर थोड़ा सा ध्यान देने की बात है। और हम सपोज हम दूसरा एक एग्जांपल लेते हैं कि आप एक जॉब फाइंडर है, आपको जॉब की तलाश है, और क्या होता है कि आपने किसी बड़े कंपनी में जैसे सैमसंग या माइक्रोसॉफ्ट कंपनी में आपने जॉब के लिए अप्लाई किया, तो कोई अटैकर्स आपको कंपनी सैमसंग कंपनी के मेल से आपको मेल किया कि आप इस अकाउंट में इतना रुपए जमा करें, आपकी नौकरी फिक्स हो जाएगी। और आप क्या करते हैं कि 5,000 या 10,000 जितने बोले, आप 10,000 उसको उसके अकाउंट में जमा कर दिए। तो क्या हो गया कि आप तो ऐसे तो समझ रहे हैं कि आपका बच गया। तो दोस्तों इसमें आपका जो फेक मेल है के द्वारा ही ये सब हैक होता है, आपका अकाउंट, बैंक अकाउंट और ईमेल आईडी हैक किया जाता है। दोस्तों कुछ फेक मेल साइट है जैसे में www.deadfake.com और www.anonymailer.net मीन्स www.anonymailer.net। ये जो है बहुत सारे ऐसे फेक मेल साइट है, पर ये बहुत ही फेमस फेक मेल साइट है। इस पे आपको फेक मेल तैयार करते हैं और नेट पे अपलोड कर दिए या किसी के पास सेंड कर दिए। दोस्तों जो अगला हमारा है हैकिंग ट्रिक, वो है गेसिंग पासवर्ड हैकिंग अटैक। दोस्तों किसी भी सिस्टम या वेबसाइट का पासवर्ड गेसिंग हैकिंग अटैक से इजिली फाइंड किया जा सकता है। इससे छोटे से छोटा हैकर भी आपके सिस्टम, आपके वेबसाइट का पासवर्ड जान सकता है। दोस्तों इस कुछ लोग होते हैं जो ऐसा पासवर्ड सेट कर देते हैं जो बहुत ही इजिली फाइंड किया जा सकता है। तो दोस्तों आप ऐसा इजी पासवर्ड सेट ना करें। जैसे मैं आपने सेट कर दिया अपना मोबाइल नंबर, अपना निक नेम, अपना पेट एनिमल नेम, या फिर अपना फेवरेट एक्टर एक्ट्रेस नेम, या फिर आपने अपना बर्थडे को ही सेट कर दिया, या फिर आपने पहले अपना मोबाइल नंबर सेट किया है फिर अपना गर्लफ्रेंड का नेम सेट कर दिया। दोस्तों जो ऐसा पासवर्ड होता है वो हैक हो जाता है। आजकल जो 90% जो यूजर्स है, जो 90% यूजर्स है वो अपना मोबाइल को ही अपना पासवर्ड बना लेते हैं, तो ऐसे से आपका अकाउंट हैक हो सकता है। या फिर कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपना निक नेम या अपना एरिया कोड होता है वही यूज़ करते हैं। तो दोस्तों ऐसा करने से जो हैकर्स होते हैं वो इजीली नेट से क्या करते हैं, जो हैकर्स होते हैं सबसे पहले गेसिंग पासवर्ड हैकिंग ट्रिक ही अप्लाई करते हैं। इससे बहुत सारे सिस्टम या वेबसाइट का पासवर्ड या आपके पासवर्ड जान देंगे, जिससे आपका तो नुकसान होगा ही। जो हमारा जो छठा ट्रिक है दोस्तों वो है की लॉगर्स हैकिंग। दोस्तों अब हम बात करते हैं की लॉगर्स हैकिंग अटैक का। तो दोस्तों की लॉगर्स हैकिंग अटैक है वो बहुत ही पावरफुल तो नहीं है, पर किसी का भी सिस्टम का पासवर्ड एजी से जाना जा सकता है। अगर कोई हैकर्स ये आपके ही कोई फैमिली मेंबर्स को सिस्टम को एक्सेस करने आता हो, या थोड़ी भी उनको सिस्टम का नॉलेज हो, तो आपके पासवर्ड आसानी से जान सकते हैं। इसमें की लॉगर्स में दो प्रकार के होते हैं, एक सॉफ्टवेयर की लॉगर्स होते हैं, एक हार्डवेयर की लॉगर्स। तो दोस्तों सॉफ्टवेयर की लॉगर्स और हार्डवेयर की लॉगर्स दोनों अलग अलग टाइप के होते हैं। तो मान लीजिए आप कहीं कैफ़े में गए तो आपने टाइप किया कुछ भी, आपने मैसेज किया किसी को, तो वहाँ पे अगर आपके की लॉगर्स यूज़ कर रहा है उस कैफ़े वाले, तो
जो आपका मैसेज होगा वो देख लेगा, या आपने जो भी अकाउंट, बैंक अकाउंट, जो भी आपने पेमेंट किया, जो भी किया, वो तो उसे तुरंत उसको सेंड कर देगा। दोस्तों आजकल ऐसे क्लिकर्स बनाए गए जो सिर्फ आपके टाइप करते ही आपके ईमेल, फ़ोन नंबर, पासवर्ड, मैसेज टाइप करते ही 5 से 10 मिनट के अंदर हैकर्स को पूरा डिटेल्स आपका सेंड कर देंगे। तो दोस्तों आप जब भी कैफ़े में जाए तो ध्यान दें, अपना बैंक अकाउंट या पेमेंट ऐसा कुछ भी अच्छे से करें। तो दोस्तों जो सॉफ्टवेयर, जो हार्डवेयर के लॉगर्स होते हैं वो सीपीयू में सेट किए जाते हैं, जिससे आप जो भी टाइप करिएगा आपका पासवर्ड तुरंत तुरंत उसको सेंड करते रहेगा अटैकर्स को। और जो सॉफ्टवेयर के लॉगर्स होते हैं वो सॉफ्टवेयर के लॉगर्स को रिमोटली सेट किया जाता है, जिससे आपने कुछ भी किया वो भी अटैकर्स को सेंड कर देता है। दोस्तों आप इससे बचने के लिए, सॉफ्टवेयर की लॉगर्स से बचने के लिए आप वर्चुअल कीबोर्ड यूज़ कीजिए, और हार्डवेयर की लॉगर्स से बचने के लिए आप अपने सीपीयू को चेक कीजिए, सीपीयू को चेक कीजिए कि कुछ उसमें एक्स्ट्रा तो नहीं लगा है, जैसे कुछ पेन ड्राइव वगैरह वगैरह लगाकर उसमें कुछ सॉफ्टवेयर ऐसा डालकर और आपके जो है किया जा सकता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। दोस्तों अभी हमारा लर्निंग पूरा नहीं हुआ, हम आपको आगे बताएंगे, इसमें तो ज़्यादा टाइम हो गया, हम आपको बताएंगे MTM हैकिंग अटैक सेशन, हिज हैकिंग अटैक, स्टेनोग्राफी हैकिंग अटैक, वाईफाई हैकिंग, ट्रोजन हैकिंग, हैक विथ फुट प्रिंटिंग, वायर स्निफिंग अटैक, और वर्म्स एंड वायरस अटैक कैसे किया जाता है, कैसे बनाया, तो वो भी आपको हम बताएंगे। तो दोस्तों हमारा अगला वीडियो जरूर देखिए, तब तक आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू फ्रेंड्स, देखिए मेरा अगला वीडियो।